दोस्तों, हम जब एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। तो मुझे ये तो पता है कि सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना है, बट कई बार मैं ये जरूर सोचता था कि ये करंट अकाउंट क्या है और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बीच डिफरेंस एंड उनके बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सेविंग अकाउंट आप सबको पता ही होगा, ये आपको अपनी सेविंग्स को एक सेफ प्लेस पे डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। एक सेविंग बैंक अकाउंट पे हमें अराउंड 4-6% इंटरेस्ट मिलता है। हम सेविंग अकाउंट को इंडिविजुअली या जॉइंटली ओपन करा सकते हैं और ज़्यादातर बैंक्स में आपको सेविंग अकाउंट को ओपन रखने के लिए उसमें मिनिमम अमाउंट रखना मैंडेटरी होता है। सेविंग अकाउंट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और माइनर सीनियर सिटीजन्स एंड वुमेंस के लिए स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट भी होते हैं। वहीं करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए सूट करता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस एंड डे टू डे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। करंट अकाउंट मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओपन किए जाते हैं, जैसे फर्म्स, LLPs, सोल प्रोप्राइटरशिप्स एटसेट्रा। करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं होती है और क्योंकि ये अपने यूजर्स को इतनी लिक्विडिटी देता है, इसलिए करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब हम सेविंग एंड करंट अकाउंट के बीच डिफरेंसेस को समझते हैं। सेविंग अकाउंट लोगों को पैसे को सेव करने के लिए एनकरेज करता है, वहीं करंट अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को स्मूथ करने के काम आता है। सेविंग अकाउंट रेगुलर इनकम अर्नर्स के लिए सूटेबल होता है, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स। वहीं करंट अकाउंट को बिजनेस एंटिटीज की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपका बैंक आपको एक मंथ में लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही अलाउ करेगा। वहीं करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। करंट अकाउंट यूजर्स को फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है। सेविंग अकाउंट में आपको 4-6% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं करंट अकाउंट होल्डर्स को अपने डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। कई सारे बैंक्स में सेविंग अकाउंट होल्डर्स अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो उन पे पेनल्टी लगाई जाती है। ये मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट में भी होता है, लेकिन करंट अकाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट हाई होती है। सेविंग अकाउंट के होल्डर्स उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना उनके अकाउंट में अवेलेबल है, लेकिन करंट अकाउंट में ओवर विड्रॉइंग की फैसिलिटी मिलती है। जब अकाउंट होल्डर उस पैसे को वापस डिपॉजिट करता है तो इस तरह के डिपॉजिट को इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। करंट अकाउंट की ये फैसिलिटी अकाउंट होल्डर्स को उनके फंड डेफिसिट्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर वन, ज़्यादातर बैंक्स में आपको लॉकर फी पे 15-30% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप अपने अकाउंट में कंसिस्टेंटली एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो। नंबर टू, बहुत सारे बैंक्स हैं जो सेविंग बैंक अकाउंट के साथ लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। नंबर थ्री, जनरली बैंक्स 3.5-4% इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट पर देता है, लेकिन कुछ बैंक 6-7% इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं अगर आप उसके एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो। नंबर फोर, सेविंग अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप ओवरसीज ट्रांजेक्शन करते हैं तो। नंबर फाइव, आपको पता है कि भारत में गोल्ड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिजिकल एसेट है, तो गोल्ड का प्राइस हमेशा हाई रहता है, तो अगर आप एक लार्ज बैलेंस के साथ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 2-5% गोल्ड परचेज पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। नंबर सिक्स, आप अपने सेविंग अकाउंट बैलेंस को अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स या अदर यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए यूज कर सकते हो, और ये सब आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी से कहीं से भी पे कर सकते हो। नंबर सेवन, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपके बैंक अकाउंट को ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है ताकि आप सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे आधे घंटे में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम बात कर ही चुके हैं कि करंट अकाउंट में आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में लिमिट होती है और इसमें आपको ओवर विड्रॉइंग की फैसिलिटी मिलती है। इनके अलावा करंट अकाउंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना और क्रेडिटर्स को पेमेंट करना डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी से आसान हो जाता है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट होल्डर्स अपने बैंकर को इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं उनके बिहाफ पे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग, डोरस्टेप बैंकिंग एंड टेलीफोनिक बैंकिंग जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर टू, अगर आप एक करंट अकाउंट होल्डर हैं तो ना ये सिर्फ आपको अपने बिजनेस की क्लियर पिक्चर देता है, साथ में ये आपको अपने बैंकर या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज लेने में भी हेल्प करता है। नंबर थ्री, दोस्तों लगभग सारे बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप अपने करंट अकाउंट को मल्टीपल सिटी से ऑपरेट कर सकते हो। आजकल बैंक्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पे ऑपरेट करते हैं, ये आपको अपने करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को आसानी से कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है।
आप इंडिया में किसी भी बिजनेस टूर पर चले जाएं, आपकी बैंकिंग सर्विस कहीं भी बंद नहीं होंगी। आप कहीं पर भी अपने बैंक की किसी भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आप अपना करंट अकाउंट एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करते हो तो बैंक आपको गारंटी सर्विसेज भी देता है। बहुत सारे वेंडर्स गारंटी सर्विसेज की डिमांड करते हैं, तो ये फैसिलिटी बहुत हेल्पफुल है अगर आप फॉरेन ट्रेड में एंटर करने का सोच रहे हैं। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों की अपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको इनके बारे में नॉलेज देना था, आप अपने पर्पस एंड कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें से चूज कर सकते हो। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल टॉपिक सजेस्ट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।